नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं TTML स्टॉक के बारे में। सो गाइस, फिलहाल अगर यहाँ पे देखा जाए तो TTML में एक बार फिर से दोस्तों आज सर्किट देखने को नज़र आया। मार्केट में अगर जंप अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहने वाला है, पर इस बीच अगर देखा जाए तो एक बार फिर से दोस्तों मार्केट पर जो गिरावट है वो आप लोग को देखने को नज़र आई थी। पर अभी के टाइम देखा जाए तो कल भी दोस्तों मैंने आप लोग को चार्ट रीड करके बताया था और चार्ट का जो संकेत था वो काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल रहा था और फिर से तेज़ी यहाँ पर देखने को नज़र आई थी। पर दोस्तों आज एक बार फिर से कंपनी के चार्ट का रीड करने वाले हैं और कंपनी के फंडामेंटल्स अभी के टाइम किस प्रकार के होने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के जो टारगेट्स हैं वो किस प्रकार के होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों प्रेस की अगर बात की जाए तो प्रेस आज की जो ओपनिंग रहने वाली है 86 रुपये 70 पैसे के साथ ओपनिंग नजर आई थी और 87 रुपये 95 पैसे तक का जो आज के मार्केट का जो जंप था वो देखने को नजर आया। पर अगर गिरावट अगर देखा जाए तो दोस्तों 85 रुपये 55 पैसे तक जो मार्केट में गिरावट भी देखने को नजर आई। पर इस बीच अगर क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो 86 रुपये पर आज की जो क्लोजिंग है देखने को नजर आने वाली है। तो मार्केट कैप में दोस्तों अगर देखा जाए तो इजाफा काफ़ी ऐसा देखने को नजर आए। अगर मार्केट कैप की अगर बात करना चाहूँ तो दोस्तों मार्केट कैप कंपनी का दोस्तों 16,754 करोड़ का अभी के टाइम जो मार्केट कैप है वो देखने को मिलने वाला है। पर इस बीच अगर देखा जाए तो लास्ट पिछले 5 दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले 5 दिनों में जो मार्केट है दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो लगभग 90 रुपये से जो है गिरकर यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी बड़ी जो गिरावट को यहाँ पे दर्शाता हुआ भी देखने को नज़र आ रहा है। तो 90 रुपये 75 पैसे से गिरकर देखा जाए तो लगातार कंटिन्यूसली जो गिरावट थी वो 286 रुपये के आसपास फिर देखने को मिला कि दोस्तों 83 रुपये 70 पैसे के आसपास गिरावट देखने को नज़र आई। वर्तमान में पिछले 5 ट्रेड का डेटा अगर कलेक्ट किया जाता है तो दोस्तों 2.93% की जो गिरावट है रिटर्न पर वाइड देखने को नज़र आती है, क्योंकि दोस्तों अगर लास्ट 1 महीने का जो फंडामेंटल था वो तो स्ट्रक्चर हुआ। पर अभी के टाइम देखा जाए तो कंपनी के लॉन्ग टर्म्स की अगर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म्स के जो डेटा है वो काफी ज्यादा बेटर यहां पे बन सकते हैं। ये रीज़न ये होने वाला कि कंपनी का जो कर्ज है वो अभी के टाइम ज़्यादा देखने को नज़र आ रहा है, तो इस वजह से शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है वो आप लोग को पिछले टाइम देखने को नज़र आया। तो पिछले 6 महीने को डेटा को अगर यहाँ पे रीड किया जाए तो उसमें शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट है दोस्तों वो फिर से यहाँ पे क्रिएट होता हुआ देखने को नज़र आया था। लगातार अगर देखा जाए तो कंपनी दोस्तों छोटे छोटे प्रॉफिट्स के साथ कंपनी की जो तेज़ी थी वो लास्ट 6 महीने में देखने को नजर आई, क्योंकि दोस्तों जो प्राइस थी वो इस लेवल पर देखने को नजर आई थी जो 49 रुपये 65 पैसे तक मार्केट गिरावट में देखने को नजर आया। उसके बाद देखने को नजर आया कि वापस रिकवर हुआ, धीरे धीरे वापस रिकवरी हुई, वापस गिरावट देखने को नजर आए। पर छोटे छोटे जो जंप देखने को नजर आए वो काफ़ी अच्छे देखने को नजर आए। पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो दोस्तों ऑलरेडी जो मार्केट है उस पर बम्प और डंप का जो खेल वो भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से कल देखने को नजर आ सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट में देखा जाए तो गिरावट काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है। बीएसई सेंसेक्स की बात की जाए या निफ्टी 50 की बात की जाए, क्योंकि दोस्तों पिछले टाइम से जो यूएस मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेश देखने को मिल रहा है और उस चीज़ का जो असर है इंडियन मार्केट पर अभी टाइम देखने को मिलने वाला है। लगातार अगर फंडामेंटल्स अगर इस प्रकार के गिरावट पर देखने को नज़र आते हैं तो मार्केट में फिर से बड़ी तो गिरावट देखने को मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों अगर देखा जाए तो मार्केट पर जो गिरावट का जो खतरा है वो अभी टलना बाकी है और अगर देखा जाए तो कंपनी में लगातार जो है दोस्तों तेज़ी का जो फंडामेंटल्स है काफ़ी अच्छा बढ़ सकता है, पर मार्केट पर अभी टाइम लगातार जो है गिरावट का जो संकेत है वो काफ़ी ज़्यादा बन सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म दोस्तों जो है कंपनी का कर्ज होने की वजह से ज़्यादा जो है तेजी आप लोगों को देखने को नजर आएगी, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट टर्म में जो है कंपनी का कर्ज कम नहीं होने वाला है। लॉन्ग टर्म में अगर बात की जाए आने वाले 3 से 4 साल की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो कर्ज है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है, क्योंकि लगातार अगर गवर्नमेंट सेक्टर की अगर बात की जाए तो कंपनी उस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा जो है गहराई से दोस्तों कार्य करती हुई भी नजर आ रही है और कंपनी में लगातार देखा जाए तो पिछले 6 महीने के अंदर जो डील यहाँ पे मिली है 3 से 4 यहाँ पे देखा जाए तो AI के साथ मिली है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिली है और साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी ने दोस्तों साइबर सिक्योरिटी को लेकर भी जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट एम पिछले टाइम साइन किया था। पर अभी के टाइम कंपनी ने लगातार देखा जाए 2 से 3 प्रोजेक्ट पर ही अभी तक कार्य स्टार्ट किया है, पर आने वाले 2 से 3 सालों में देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ऊंचे लेवल पर देखने को नजर आ सकती है, जिसकी कीमत की अगर मैं बात करना चाहूँ तो एक बार फिर से जो है कीमत आप लोग को 300 रुपये प्लस के आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आप लोग को होल्ड रखने की आवश्यकता है और फिलहाल आप लोग को दोस्तों बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलूँ, उससे पहले बता दो चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर। और दोस्तों साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में दोस्तों नेगेटिव जो सिग्नल है एक बार फिर से देखने को बेरिस की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। रीज़न ये होने वाला कि मार्केट में दोस्तों क्लोजिंग के वक्त जो ज़्यादा बड़ी सेलिंग ऑर्डर यहाँ पे लगती है, तो इसी के चलते जो है मार्केट में जो गिरावट है वो देखने को नजर आ रही है। और अगर यहाँ पे देखा जाए तो आज की जो कैंडल होने वाली है वो फिर से नेगेटिव देखने को मिली, बेरिस की तरफ यहाँ पे मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर देखा जाए तो सेलिंग ऑर्डर का जो संकेत है वो फिर से आज बड़ा नजर आ रहा है और इसी सेलिंग ऑर्डर के चलते जो है मार्केट में बड़ी जो गिरावट का जो संकेत है वो तो देखने को मिल रहा है। पर आगे चलकर देखा जाए तो कंपनी
कंपनी पर जो है भारी गिरावट का जो सिग्नल है वो भी यहाँ पे नज़र आ सकता है। क्योंकि दोस्तों इस लेवल की अगर बात की जाए प्रेस की, तो प्रेस की जो लेवल थी काफ़ी अच्छी देखने को नजर आई थी 18 सितंबर को। कीमत यहाँ पे होने वाली 108.45 रुपये के आसपास की जो कीमत थी वो यहाँ पे देखने को नज़र आ रही थी। पर उस बीच अगर देखा जाए तो लगातार जो है दोस्तों मार्केट आगे जैसे जैसे बढ़ता गया गिरावट भी आगे आगे वैसे बढ़ती गई। तो फिलहाल आप लोग को होल्ड रखने की आवश्यकता है, जितना देखा जाए तो कंपनी में तेज़ी यहाँ पर बनने वाली है। फिलहाल दोस्तों आपकी नज़र में इस शेयर की और कोई बेसिक जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर शेयर कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।